यस सो बच्चों देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा. नेक्स्ट टॉपिक है सेल शेप्स एंड साइज. ओके सो इस टॉपिक के अंदर हमें ये जानना है कि क्या जो सेल्स होते हैं वो सेल्स के सभी सेल्स के शेप्स जो होते हैं वो सेम होते हैं या कुछ सेल्स के शेप डिफरेंट भी होते हैं या उन सभी सेल्स की साइज़ जो है वो क्या एक जैसी होती है. तो बच्चों देखिए हर एक सेल की जो शेप है और साइज़ है वो क्या होती है चेंज होती है. ठीक है सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव द सेल ऑफ डिफरेंट काइंड्स. ओके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के पास सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है सो सेल्स शो द वेरिएशंस इन टर्म्स ऑफ देयर शेप एंड साइज. ठीक है जो सेल है उनके शेप और साइज में वेरिएशंस आते हैं बच्चों. अब देखिए जो सेल है वो कितने तरीके के शेप्स उनमें देखने को मिलते हैं. ठीक है तो सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट शेप्स कौन कौन से शेप्स होते हैं बच्चों. तो सबसे पहला शेप है स्पेरिकल शेप. ठीक है जो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं बॉडी के अंदर जो स्पेरिकल शेप्स के होते हैं. एग्जाम्पल एग्स ऑफ अ मैनी एनिमल्स. ठीक है बहुत सारे एनिमल्स के जो एग होते हैं वो स्पेरिकल शेप्स के होते हैं. ठीक है तो जो जो एग है वो क्या बेटा सेल है. ठीक है तो सेल जो है वो स्पेरिकल शेप्स के भी देखने को मिलते हैं. सेल जो है वो स्पिंडल शेप्स के भी देखने को मिलते हैं. स्पिंडल शेप्स का मतलब इस तरीके का शेप होता है. ठीक है इस तरीके का शेप होगा स्पिंडल शेप्स. क्लियर इस तरीके का सेल भी आपको देखने को मिलता है. और वो कौन सा होता है एग्जाम्पल जैसे कि स्मूथ मसल्स फाइबर. ठीक है ये जो सेल के शेप्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्स के होते हैं इस तरीके का होता है. क्लियर थर्ड है ओवल शेप्स. कुछ सेल ऐसे भी होते हैं जो ओवल शेप के होते हैं. अब ओवल शेप्स में किस तरीके के सेल्स हैं जैसे रेड ब्लड सेल. ठीक है हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल है RBC सेल है उसका शेप क्या है ओवल शेप है. ठीक है कुछ सेल्स होते हैं ब्रांच्ड शेप के. ठीक है ब्रांच मतलब उसमें ब्रांचिंग नजर आती है उन सेल्स में. ठीक है तो एग्जाम्पल क्या है ऑस्टियोसाइट्स. ठीक है तो ऑस्टियोसाइट किस तरीके का उसका जो शेप होता है वो कैसा होता है इस तरीके ब्रांच्ड शेप का होता है. कैसा होता है उसका शेप ब्रांच शेप. ठीक है उसके बाद कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता. ठीक है वो चेंजेबल होते हैं चेंज होते रहते हैं. समझ में आ रही चीज. मतलब अपन ने सेल के कितने सारे शेप पढ़ लिए स्पेरिकल शेप्स के सेल है स्पिंडल शेप्स के सेल है ओवल शेप के सेल है ब्रांच्ड शेप के भी सेल होते हैं. ठीक है कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जिनका डेफिनेट शेप नहीं होता है वो चेंज करते रहते हैं. लाइक एग्जाम्पल हमारी बॉडी में WBC. ठीक है उसका कोई डेफिनेट शेप नहीं है. क्लियर तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए बच्चों ये जो शेप और जो साइज है ठीक है सेल का वो किस पर डिपेंड करता है. क्या वो ऑर्गेनिज्म के साइज पर डिपेंड करता है. मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म छोटा है तो उसका जो शेप उसका जो सेल होगा वो भी छोटा होगा. कोई बड़ा ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो सेल्स होंगे वो भी बड़े होंगे. तो बच्चों ऐसा नहीं है. ठीक है जो शेप और साइज है ये दोनों ही बिल्कुल भी ऑर्गेनिज्म के साइज पर रिलेट नहीं करता. ठीक है ये उनके फंक्शंस को रिलेट करता है. समझ में आ रही चीज. ये उनके फंक्शंस पर डिपेंड करता है. ओके तो जो भी हमारे सेल का जो शेप होगा या उसकी जो साइज होगी वो किससे रिलेटेड होता है वो इसके फंक्शन से रिलेटेड होता है ना कि ऑर्गेनिज्म के साइज पे. ठीक है ऐसा नहीं है कि चूहा अगर छोटा होगा तो उसके सेल्स भी छोटे होंगे. और ऐसा नहीं है कि एलिफेंट अगर बहुत बड़ा है तो उसके जो साइज के जो उसके जो सेल्स होंगे उनकी जो साइज होगी वो बहुत बड़ी होगी. ठीक है तो उनके जो शेप है और जो उनके साइज हैं ये दोनों ही किससे रिलेटेड है. ये दोनों ही उनके फंक्शन से रिलेटेड है कि उस सेल का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी में. ठीक है जो फंक्शन होगा उस अकॉर्डिंग ही उसका शेप और उसका साइज होगा. समझ में आ गई चीज. अब देखिए जैसे कि अगर हम बात करते हैं नर्व सेल्स की. ठीक है तो नर्व सेल्स क्या होती है बच्चा. नर्व सेल्स जो होती है बहुत लंबी होती है थ्रेड लाइक होती है बिल्कुल धागे के जैसी होती है. ठीक है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस भी निकले रहते हैं. ठीक है अब वो इतना लंबा होता है ताकि क्या कर सके वो एक पार्ट से मैसेज को दूसरे पार्ट तक पहुंचा सके. समझ में आ रही चीज. तो उसका फंक्शन है ना. अगर वो उतना लंबा नहीं होता तो वो मैसेज को कैरी नहीं कर पाता. ठीक है तो हर एक सेल का जिस नर्व सेल है उसका शेप बहुत लंबा है ब्रांच भी होते हैं. ठीक है इसलिए क्योंकि उसको हर पार्ट से मैसेज को क्या करना रहता है गेन करना रहता है. ठीक है हर पार्ट से मैसेज को रिसीव करता है मैसेज को रिसीव करके वो ट्रांसमिट करता है. ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है उसका जो शेप है वो लंबा होता है. ठीक है इलॉन्गेटेटेड होता है. तो इस तरीके से हर एक सेल का अपना अपना फंक्शन होता है और उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उन सेल्स के अपने शेप होते हैं और उन सेल्स के अपने साइज होते हैं. क्लियर अब देखिए जो सेल है उसके साइज को हम मेजर कैसे करते हैं. ठीक है सेल के साइज को मेजर करने का क्या यूनिट है. तो देखिए हम जो सेल की साइज है उसको मेजर करते हैं हम किसमें माइक्रोमीटर में. किसमें मेजर करते हैं माइक्रोमीटर में. अब देखिए सेल साइज मेजर्ड बाय फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर. ठीक है हम सेल के साइज को किसमें मेजर करते हैं फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर के अंदर मेजर करते हैं. ठीक है एंड 1/1000 ऑफ अ मिलीमीटर इज कॉल्ड द माइक्रोमीटर. ठीक है और जो 1/1000 ऑफ अ मिलीमीटर होता है उस वही क्या कहलाता है हमारा माइक्रोमीटर कहलाता है. ठीक है तो 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10^-3 mm. समझ में आगे चीज. तो जो हम सेल
कि साइज का जो मेजरमेंट करते हैं वो माइक्रोमीटर में करते हैं, और 1 माइक्रोमीटर जो होता है, 1 माइक्रोमीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोमीटर इक्वल होता है 3×10⁻³ मिलीमीटर। समझ में आ गई चीज़। तो सेल का जो मेजरमेंट होता है वो किस में होता है, माइक्रोमीटर में होता है। ओके क्लियर है, समझ में आ गई चीज़। अब देखिए उसके बाद देखिए जो सेल की जो साइज़ है, ठीक है, अब सबसे छोटी सेल कौन सी है, ठीक है, और सबसे छोटी सेल की साइज़ कितनी है और सबसे बड़ी सेल की साइज़ कितनी है, तो इसको देख लेते हैं। देखिए सबसे छोटा जो सेल है, ठीक है, सबसे स्मॉल साइज का जो सेल है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल होगा वो सबसे छोटा सेल होगा। क्लियर, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है ना, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल सबसे छोटा होता है। ठीक है, और उनकी साइज क्या होती है, उनकी साइज होती है 0.22 100 माइक्रोमीटर। समझ में आ रही चीज़, कितनी होती है, बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया का जो सेल होता है उसकी साइज सबसे छोटी होती है। ठीक है, और उसकी साइज कितनी होती है, तो अगर हम मेजर करें तो 0.2 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक में होती है। ठीक है, तो वो सबसे छोटी सेल कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है बच्चों, तो सबसे बड़ा सेल क्या है, ऑस्ट्रिच का अंडा। सबसे बड़ा सेल क्या है, तो ऑस्ट्रिच का एग। ठीक है, एग ऑफ द ऑस्ट्रिच, ठीक है, सबसे बड़ा सेल है। समझ में आगे चीज़। तो वेरिएशंस कहाँ से हो रही, वेरी स्मॉल सेल ऑफ बैक्टीरिया से लेकर वेरी लार्ज सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, मतलब इस तरीके से वेरिएशंस आ रहे हैं। ओके, अब ऑस्ट्रिच का जो एग है उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है, उसकी साइज 170 mm × 130 mm। ठीक है, मतलब 170 mm × 130 mm ये साइज होती है, ये साइज होती है किसकी, हमारे ऑस्ट्रिच के एग की। समझ में आ गई चीज़। तो सबसे बड़ा जो शेप है, सबसे बड़ा जो साइज का जो सेल है वो क्या है, ऑस्ट्रिच का एग, और सबसे छोटा साइज का जो सेल है वो है बैक्टीरिया का सेल। ठीक है, बैक्टीरिया का जो सेल होता है वो सबसे छोटा होता है 0.22 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, समझ में आ रही चीज़। और ऑस्ट्रिच का जो एग है वो होता है अपना 170 mm × 130 mm। क्लियर, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल, अगर हमारी बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल की साइज हमें जाननी है, तो बेटा रेड ब्लड सेल है उसकी साइज कितनी होती है, 7 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो 7 माइक्रोमीटर हमारे रेड ब्लड सेल की साइज होती है। ठीक है, सबसे बड़ा, अब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, कि जो भी सेल का जो शेप है और जो साइज है वो डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पे। ठीक है, वो रिलेटेड होता है उनके फंक्शंस पे ना ही, ठीक है, द शेप एंड द साइज ऑफ एन सेल इज रिलेटेड टू देयर फंक्शन ऑफ अ सेल हैज़ नो रिलेशन विद द बॉडी साइज।